चैप्टर 8 की अपडेट है दोस्तों, यहाँ से टेस्ट अपडेट। माई तक जा रहा है काटा और कितना बड़ा जाल है इसके अंदर, ये देखिए दोस्तों काफ़ी दूर तक। और ये ब्लैक वाले लाइन है, ये इसके एलिवेटेड के ऊपर से जा रही है, तो इसको शिफ्ट किया जाएगा। काफ़ी तेज़ी से बह रहा, पानी की जो स्पीड है दोस्तों देखिए, पिलर तो कंप्लीट है दोस्तों, लेकिन इस पर गटर लॉन्चिंग का काम अभी कुछ भी नहीं हुआ है। नाल नहर है इसको बोलते हैं, और दोस्तों ये थोड़ा सा अब नहर नहीं है दोस्तों इस समय, ठीक है। और ये पुरानी लाइन उतरनी है दोस्तों, इसी वजह जिसकी वजह से इसका काम दिल्ली बॉम्बे हाईवे के ऊपर भी तार जा रहे हैं, और इसकी वजह से यहाँ दोस्तों आज हम आपको दिल्ली बॉम्बे हाईवे का काम दिखाते हैं। और पीछे की हमने अपडेट सेक्टर 9 तक, फरीदाबाद सेक्टर 9 तक की अपडेट दी थी आपको, और अब सेक्टर ये दोस्तों ये 8 है, और सेक्टर 8 से लेके हम आगे की आपको अपडेट देंगे। और ये दोस्तों ये सेक्टर 8 का काम है जहाँ पे हम इस समय खड़े हुए हैं, और दोस्तों ये देखें यहाँ पे कार सड़क का काफ़ी काम हो चुका है दोनों साइड, और दोस्तों ये आगे काम स्टार्ट चल रहा है दोस्तों। सेक्टर 8 की अपडेट है दोस्तों, यहाँ से हम दोस्तों वीडियो स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों जो मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों चलो दोस्तों यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे की जितनी भी अपडेट है आपको देते हैं। और ये देखिए यहाँ का लेटेस्ट अपडेट, चलो दोस्तों थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों थोड़ा सा और आगे का सीन है, ये जो इंजीनियर का काम है जो सड़क को सीधा या वैसे देखता है उसके लिए उसके स्टैंड रखे हुए दोस्तों, उसका सामान रखा हुआ। चलो दोस्तों और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे का ही उसी जगह का। और ये देखिए इधर दोनों तरफ, इधर भी क्रैश बैरियर लगी है, उधर भी लगते जा रही हैं बीच में रखे हुए। और ये देखें मिट्टी की फिलिंग, ये लेवल करते हुए मजदूर। और दोस्तों ये आगे का है, शायद यहाँ से नीचे कोई यूटर्न वगैरह है जिसके लिए इन्होंने यूटर्न के लिए बनाया। दोस्तों नीचे यूटर्न के लिए बनाया, और ये जो जहाँ के हम अपडेट दे रहे हैं सेक्टर 8 है। और दोस्तों ये देखो आगे से एलिवेटेड होता जा रहा है आगे का काम। और नीचे दोस्तों ये जो बनाया है ये यूटर्न के लिए बनाया है, इसी वजह से अभी आगे का काम थोड़ा सा स्लो है, और फिर हमें अभी पीछे जाना पड़ेगा, पीछे से जाके फिर आगे का काम अपडेट देनी पड़ेगी। दोस्तों ये जो क्रैश बैरियर लगते हैं, इसके जो सरिये होते हैं जो क्रैश बैरियर के यहाँ यहाँ लगने के बाद उसका एक जाल बना के और फिर उस पर एक लेंटर डाल देते हैं। ये देखो ये लेंटर डाल रखा दोस्तों, ये रहा देखो ये जो क्रैश बैरियर है इस पर लेंटर डाल देते हैं जिससे इसको पूरी सपोर्ट मिलती रहती है। चलो दोस्तों अब आगे चलते हैं और आगे की अपडेट देते हैं, आगे काम की कितनी प्रोग्रेस है। और ये दोस्तों ये सेक्टर 8 है, चलते हैं दोस्तों आगे। थोड़ा सा और आगे आ चुके हैं, और ये पीछे से बनता हुआ आ रहा है,
इधर तो कुछ दोस्तों काम नहीं चला। गाटर कैसे बनता है, जो जो बीच में दो पिलर के बीच में गाटर लॉन्चिंग गाटर लगता है। और दोस्तों ये देखो कितने लंबाई तक जा रहा है गाटर और कितना बड़ा जाल है इसके अंदर। यहाँ पे इसको ये गाटर बन रहे हैं बीच के, और दोस्तों गाटर बीच में बनने का काम चल रहा है। और ये देखिए आगे भी गाटर काफ़ी रखे हुए हैं। और दोस्तों ये देखो गाटर बीच में जाल बनने के बाद, और इसमें ऐसे मोटे मोटे पाइप लगते हैं दोस्तों। दोस्तों ये ब्लैक ब्लैक पाइप डलते हैं इसके अंदर गाटर के अंदर, हो सकता है इन गाटर के अंदर। दोस्तों ये देखो गाटर के अंदर ये छेद है, हो सकता है ये वायरिंग होती है उसके अंदर तार वगैरह के लिए, इसके अंदर ये पाइप डलते हैं। देखो कितने बड़े सर। ये देखिए दोस्तों काफ़ी दूर तक, और ये ब्लैक वाले इसके अंदर 1 2 3 4 5 पाइप डले हुए हैं दोस्तों। ये पांच पाइप डाल रखे हैं। अभी इसमें पीछे सपोर्ट दे दी, इधर सपोर्ट देने के बाद तब इसमें देखो ये इसका बेस है, ये इसमें दोनों साइड से लगेगा, और बीच में नट कसने के बाद दोस्तों इसमें फिर वो कंक्रीट भरी जाएगी। और ये देखो ये दोस्तों ये कंप्लीट है, ये काफ़ी दूर तक रखे हुए हैं दोस्तों। आगे एलिवेटेड का भी काम स्टार्ट है, और ये देखो ये गाटर बन चुका है, कंप्लीट है दोस्तों। और इधर दोनों तरफ इसके काफ़ी सरिए निकले, और ये देखिए ये छेद, ये इसके सरिए निकले हुए दोस्तों, काफ़ी मजबूत आ रहा है ये। और दोस्तों ये लोहे के हैं, ये जो इसके जो ऊपर का फ्रेम दे रखा है ये लोहे के हैं, ऊपर अंदर प्लास्टिक का पाइप डला हुआ दोस्तों, ये प्लास्टिक का। ये गाटर काफ़ी लंबाई में है, लंबाई भी तो दोस्तों ऐसी है करीब 30 फुट के करीब, 30-35 फुट लंबाई है दोस्तों एक गाटर की। और काफ़ी दूर तक दोस्तों ये देखो आगे एलिवेटेड फिर बनता जा रहा है, और ये जो गाटर है, और ये गाटर का दोस्तों ये बेस है जो इसमें लगते हैं, और ये भी बेस लगा हुआ है। यहाँ पे गाटर तैयार हो रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों ये एक सेक्टर 8 ही है, और दोस्तों गाटर बनाने में देखो कितनी लंबाई है, हो सकता है दोस्तों 40-45 फुट ही हो लंबाई, लंबाई काफ़ी है इसकी, कम से कम 40 या 50 फुट के करीब लंबाई होगी दोस्तों, इसकी लंबाई काफ़ी है, एक गाटर की लंबाई काफ़ी दे रखी है। और ये इसके बेस पड़े हुए जितने भी पड़े हैं। और दोस्तों ये DND की तरफ से आ रहा है, और ये वाला जो रास्ता ये KMP की तरफ जा रहा है बनता हुआ, और आगे फिर एलिवेटेड हो गया दोस्तों। चलो दोस्तों अब आगे चलते हैं और आगे की अपडेट देते हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा और आगे आ चुके हैं, और यहाँ पे देखें यहाँ पे पिलर वगैरह बन गए, और ऊपर पीछे गाटर काफ़ी रखे हुए हैं, और उधर पीछे बन भी रहे थे काफ़ी गाटर। और ये दोस्तों देखें ये पिलर अभी अनकम्प्लीट है, और यहाँ पर कोई मज़दूर वगैरह नहीं लग रहा, ये सेक्टर 8 में ही आता है, 8 की अपडेट है। और दोस्तों ये जो बिजली की लाइन है ये इसके एलिवेटेड के ऊपर से जा रही है, तो इसको शिफ्ट किया जाएगा। और दोस्तों शिफ्ट करने के लिए बगल में ये खम्बा भी लगा दिया गया, ये नया खम्बा जिसमें से इस पर वायरिंग होके और आगे जाएगी, आगे खम्बे लग रहे हैं। और दोस्तों ये लाइन शिफ्ट होगी, इसी लाइन की वजह से शायद ये काम बीच में रुक गया है, क्योंकि ये पिलर का काम ऊपर इसलिए नहीं चला कि ऊपर बिजली के तार आ रहे हैं, और बिजली के तार भी दोस्तों थोड़ी सी हाइट कम है इनकी, इसी वजह से ये काम यहाँ का रुका हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर काफ़ी गाटर काफ़ी रखे हुए हैं, और ये देखिए दोस्तों ये आगे एलिवेटेड है, और इसी तरह ये देखो ये पिलर बने हुए, और दोस्तों ये जो अपडेट है सेक्टर 8 में ये इस समय, और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये नाला है, यहाँ पर भी कोई ना कोई चीज़ इस तरह की कोई दीवार वगैरह बना रहे हैं, हो सकता है इसके नाले की वजह से दीवार बना रहे जिससे इसकी कटान वगैरह ना हो, इधर रोड में नहीं फैले, यहीं तक पूरी सीमित रहे ये नाले, क्योंकि दोस्तों ये नाला भी काफ़ी हैवी नाला है, इसमें पानी का लेवल बड़ी तेज़ी से आ रहा है, पूरी नाला है ये नदी है पता नहीं, काफ़ी तेज़ी से बह रहा पानी की जो स्पीड है दोस्तों देखिए,
पानी की स्पीड देखिए दोस्तों, कितनी तेज़ी से स्पीड हो रही है इसकी। और ये यहाँ पे पिलर बने हुए हैं, और दोस्तों ये भी पिलर पूरे कंप्लीट है। पिलर तो कंप्लीट है दोस्तों, लेकिन इस पर गटर लॉन्चिंग का काम अभी कुछ भी नहीं हुआ है, तो खाली पिलर ही पिलर बने। लेकिन गटर पीछे भी रखे हुए बने हुए काफ़ी, क्योंकि जब यहाँ पे कोई क्रेन वगैरह लग जाएगी तो गटर काफ़ी कंप्लीट है, जिसमें इनका इंस्टॉल इनको लगाने का काम काफ़ी तेज़ी से चल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इस समय जब हम आए तो इस समय यहाँ पे कोई भी मज़दूर वगैरह नहीं लगा हुआ है। और इधर जो पिलर वगैरह का ही है, देखो यहाँ पे किस तरह का काम है, और सारा रुका हुआ है दोस्तों। इस तरह यहाँ भी, इधर भी सरिए, इधर भी सरिए, यहाँ पे क्या चीज़ बनेगी दोस्तों, जब बनेगी तब पता लगेगा। और ये देखिए तो ये जो ऊपर जो दोस्तों मशीनें लगी हैं, पानी रोकने के लिए, आगे अगर पानी रोकना हो। ये काफ़ी पीछे से आ रहा है और काफ़ी स्पीड में पानी आ रहा है दोस्तों। और ये पिलर वगैरह कंप्लीट है, दोस्तों यहाँ का तो थोड़ा सा काम है कि इसकी बिजली की तारों की वजह से सिर्फ थोड़ा सा रुका हुआ है इधर का, ये बीच का। लेकिन दोस्तों आगे का भी पिलर पूरे कंप्लीट है, पियर जो है पूरे कंप्लीट है, पियर बेस भी पूरे कंप्लीट है दोस्तों। लेकिन इस पर गटर लॉन्चिंग का काम कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ पे, और कोई मज़दूर वगैरह भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। चलो दोस्तों अब आगे चलते हैं और आगे की आपको अपडेट देंगे। और दोस्तों ये रास्ता आ रहा है DND से, और ये जा रहा है दोस्तों KMP की तरफ। और दोस्तों अब आगे चलते हैं और आगे की अपडेट देते हैं। थोड़ा सा और आगे आ चुके हैं, और देखो ये थोड़ा सा नहर के उस पार था, इसे कहते हैं न्यू करनाल नहर कहते हैं दोस्तों। ये नहर का हम दिखा रहे थे वीडियो आपको, ये न्यू करनाल नहर है इसको बोलते हैं। और दोस्तों ये थोड़ा सा नहर के पल्ली तरफ आ गए हैं और वहाँ की अपडेट दे रहे हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पिलर वगैरह का काम, इसका पियर और पियर कैप का काम कंप्लीट हो चुका, बस बेस लगा हुआ। और वैसे जो कंक्रीट वगैरह का काम है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और इधर भी देखिए पियर कैप का दोनों का काम पूरा कंप्लीट है आगे भी। और दोस्तों फिर आगे जाके यहाँ तक एलिवेटेड है, अब फिर शायद आगे मिट्टी की फिलिंग हो रही है, और शायद फिर आगे रोड बनेगा। तो दोस्तों ये यहाँ तक का काम है, और ये सेक्टर 8 में ही है दोस्तों इस समय, ये देखिए। और दोस्तों उधर नदी के उधर भी पिलर बने हुए, और इधर भी पिलर बने हुए। चलो दोस्तों और आगे चलते हैं और आगे की अपडेट देते हैं। और दोस्तों ये थोड़ा सा और आगे आ चुके हैं, और देखिए यहाँ की अपडेट, यहाँ से पिलर समाप्त हो चुके हैं, आगे से फिर सड़क का काम स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए मिट्टी की फिलिंग वगैरह सारी हो चुकी है और काफ़ी हाइट तक जा चुकी है। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा बिजली के थोड़े खंभे हैं, जिनको इनको शिफ्ट करना है, जिसकी वजह से थोड़ा काम रुका हुआ है। यहाँ पे खंभे वगैरह तो लगते जा रहे हैं, लेकिन अभी ये खंभे आगे लग चुके हैं, और ये पुरानी लाइन उतरनी है दोस्तों। इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा हो सकता है कि काम बहुत स्लो है। और पियर बन चुके हैं, पियर कैप भी बन चुके हैं, अभी आगे मिट्टी की फिलिंग भी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों इसी वजह से थोड़ा मुझे तो बिजली के काम की वजह से भी थोड़ा यहाँ पे काम रुका हुआ है। जैसे ही ये मेरे ख्याल तार वगैरह सब ठीक हो जाएंगे, तब यहाँ का काम थोड़ा तेज होगा। चलो दोस्तों और आगे चलते हैं और आगे की अपडेट देते हैं। तो ये थोड़ा सा आगे आ चुके हैं, और ये है सेक्टर 3 फरीदाबाद। और यहाँ देखिए ये दिल्ली मुंबई हाईवे का काम चल रहा है, ये इसकी दीवार है, और दोस्तों उधर की साइड इसका चला हुआ है, ये सर्विस रोड है इस समय। और देखो ये सर्विस रोड के बीच में कितना बड़े खंभे आ रहे हैं, ये सारे दूर तक खंभे जा रहे हैं बिजली के, जिसकी वजह से इसका काम दिल्ली मुंबई हाईवे के ऊपर भी तार जा रहे हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे दोस्तों काम काफ़ी दूर तक रुका हुआ है। जैसे ही ये शिफ्ट होंगे तो ये काम आगे स्टार्ट होगा। और दोस्तों इतने बड़े जो बिजली का खंभा है वो बीच रास्ते में, पूरी लाइन ही बीच रास्ते में। चलो दोस्तों अब आगे चलते हैं और आगे की अपडेट देते हैं। ये दोस्तों सेक्टर 3 की अपडेट दे रहे हैं।
दोस्तों ये थोड़ा सा और आगे आ चुके हैं। यहाँ पे देखो ये एलिवेटेड यहाँ पे समाप्त हो गया और यहाँ पे देखो रोड का काम है। और दोस्तों ये है जगह का नाम तिगमगढ़ और सेक्टर 3 बल्लभगढ़। सेक्टर 3 है ये, बल्लभगढ़ में आता है। और दोस्तों वहाँ की अपडेट दे रहे हैं। और ये देखें जहाँ काय के लिए गड्ढा कर रहे हो आप? ये जो बारिश का पानी जमा हुआ था ना, अच्छा तो निकाल के वहाँ पे, देखो देखो वहाँ पानी, अच्छा ये पानी डाल लो, अच्छा इसी वजह से इसकी, अच्छा अच्छा आ गया, अभी बंद हो गया, अभी सुनाई नहीं होगा। तिगांवपुर है, तिगांवपुर सेक्टर 3 तिगांवपुर। दोस्तों ये आगे आ चुके हैं और ये यहाँ की अपडेट दे रहे हैं। ये आगे का काम है पूरा इधर का। और दोस्तों सड़क बन चुकी है। और दोस्तों ये पीछे अभी थोड़ी सी अनकम्प्लीट है उधर तो, लेकिन इधर दोस्तों काफ़ी बन चुकी है ये। और दोस्तों ये लोकल वाले यूज भी कर रहे हैं, ये सब लोकल वाले हैं जो इसको सड़क का यूज कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सप्रेस रोड ही है रोड, लेकिन लोकल वाले अभी यूज कर रहे हैं। दोस्तों वैसे उधर भी सर्विस रोड बनी हुई है और इधर भी सर्विस रोड बनी है, लेकिन दोस्तों सर्विस रोड पर कोई नहीं जा रहा इस समय यहाँ, क्योंकि यहाँ से कट खुला हुआ है, सब इसी को यूज करें। और दोस्तों काफ़ी दूर तक कंप्लीट हो चुकी है। और जहाँ की हम अपडेट दे रहे हैं दोस्तों, ये बल्लभगढ़ है, आप बल्लभगढ़ की अपडेट दे रहे हैं हम। और ये देखिए दोस्तों ये DND से आ रहा है और इधर दोस्तों KMP की तरफ जा रहा है। चलो दोस्तों और आगे चलते हैं और आगे की अपडेट देते हैं। और दोस्तों ये थोड़ा सा और आगे आ चुके हैं, ये देखिए काफ़ी दूर तक ये सड़क का काम कंप्लीट है और करीब हम 1 किलोमीटर के करीब आगे चलते हुए, लेकिन सड़क यहाँ पर पूरी कम्प्लीट है। आगे थोड़ा सा बनना स्टार्ट है। और दोस्तों यहाँ पर ये सर्विस रोड बन रही है और सर्विस रोड इसलिए रुकी हुई है दोस्तों, यहाँ बीच में जो बिजली के खंभे आ रहे हैं इसी वजह से सर्विस रोड का काम रुका हुआ। और थोड़ा सा ये नाले का काम भी, नाले का ये पानी के निकासी के लिए नाला बनाया गया। और इधर जो पानी का है जिसमें निकासी होगी नाला साइड ये भी पूरा कंप्लीट है। और दोस्तों सर्विस रोड का काम इसलिए रुका हुआ है और ये तारों की वजह से, इसी वजह से ये सर्विस रोड अनकम्प्लीट होने के बाद लोकल के लिए सड़क खोली गई है, सड़क लोकल वाले इसी को आने जाने की सड़क यूज कर रहे हैं, ये कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों उधर भी बिजली के खंभे हटने हैं, इधर भी खंभे हटने हैं। और पीछे से दोस्तों वो पीछे देखो खंभा नए लगते आ रहे हैं जिसमें तार वगैरह भी अभी जुड़े नहीं है, तार वगैरह नहीं लगे, जिसकी वजह से दोस्तों ये सर्विस रोड का काम रुका हुआ है। जब सर्विस रोड बन जाएगी तो लोकल वाले सब सर्विस रोड पर आ जाएंगे, फिर इसे रोड पूरा कम्प्लीट कर देंगे। ये जहाँ बीच बीच में कट खुले हुए हैं दोस्तों, उनको सबको बंद कर दिया जाएगा। चलो दोस्तों अब आगे चलते हैं और आगे की अपडेट देंगे। दोस्तों ये थोड़ा सा आगे आ चुके हैं, हमने देखा था पीछे से हम 2-1 किलोमीटर रोड पे चढ़ के आए हैं, जो हाईवे की रोड है जिसको लोकल वाले यूज कर रहे हैं, क्योंकि लोकल वाली में अभी दोनों तरफ बिजली के खंभे लगे हुए हैं जिनको ये शिफ्टिंग का काम चल रहा है। और खंभे तो लगते जा रहे हैं और दोस्तों अभी तार वगैरह का काम शिफ्टिंग का नहीं हुआ, जिसकी वजह से सर्विस रोड के पीछे थोड़ी दिक्कत है। और साइड में अब इधर वाले सर्विस रोड इधर बनते जा रहे हैं, लेकिन 2 किलोमीटर तक हमने देखा दोस्तों ये हाईवे का काम पूरा कंप्लीट है जिसे लोकल वाले यूज करें। और दोस्तों ये आगे का काम है, ये देखिए आगे अभी काम स्टार्ट ही है और सारा यहाँ मट्टी की लेवल वगैरह सब हो चुका है और रोड़ी वगैरह डलनी स्टार्ट हो गई है दोस्तों इसमें। और क्रैश बैरियर वगैरह दोनों तरफ लग चुके हैं, इधर भी क्रैश बैरियर लग चुके हैं, इधर भी क्रैश बैरियर लग चुके हैं। और दोस्तों ये आ रहा है DND की तरफ से और ये जा रहा है KMP की तरफ से। और दोस्तों जहाँ की हम अपडेट दे रहे हैं बल्लभगढ़ है। और ये देखिए क्योंकि पीछे से रोड बनता रहा, हम इसी रोड से आए उधर की साइड से, अब हम ये साइड सर्विस रोड पे जाएंगे। और दोस्तों ये आगे का काम है। और दोस्तों आगे फिर शायद आगे काम हमें पीछे से नीचे से ही आगे जाना पड़ेगा। और दोस्तों चलो और आगे का काम दिखाते हैं, आगे की अपडेट, आगे कितने काम की प्रोग्रेस है।
दोस्तों ये थोड़ा सा और आगे आ चुके हैं, ये भी अपडेट बल्लभगढ़ की है और यहीं शायद हो सकता है सेक्टर 2 ही हो दोस्तों ये, और जहाँ की हम अपडेट दे रहे हैं बल्लभगढ़ की। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ दूर तक सारा कंप्लीट है और ये रोड पूरी कंप्लीट है दोस्तों। और दोस्तों होने के बाद ये पूरी क्रैश बैरियर वगैरह सारे कंप्लीट है, डिवाइडर भी बीच में बना हुआ है और दोनों तरफ क्रैश बैरियर लग चुके और सड़क पूरी कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट क्लास और काफ़ी दूर तक है दोस्तों, इधर भी और उधर आने और जाने वाली दोनों है दोस्तों, और ये काफ़ी दूर तक है। फिर आगे जाके अनकम्प्लीट है, उधर दोस्तों काम चल रहा है, उधर भी आपको लेके चलेंगे, लेकिन काफ़ी दूर तक ये पीछे भी कंप्लीट है दोस्तों और इधर भी कंप्लीट है। और दोस्तों ये जो रास्ता आ रहा है ये DND की तरफ से आ रहा है और ये KMP की तरफ जा रहा है, ये देखिए आप पूरा कंप्लीट रास्ता है दोस्तों, बिल्कुल साफ सुथरा। और दोस्तों बीच में थोड़ा सा अभी इधर क्रैश बैरियर का काम थोड़ा बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है, इधर भी थोड़ा गैप है, वो अभी बाकी है, लेकिन जहाँ तक हमें देख रहे हैं वहाँ तक पूरी सड़क बन चुकी है पीछे भी। अब चलो दोस्तों और आगे लेके चलते हैं और आगे की अपडेट देंगे आपको कि आगे कितने काम की प्रोग्रेस है। और दोस्त जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर और करें। और दोस्तों अगर आपने मेरे पीछे की अब तक की पूरी DND से लेके यहाँ तक की पूरी अपडेट दी है मैंने, आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। चलो दोस्तों और आगे चलते हैं और आगे की अपडेट देते हैं आपको। दोस्तों पीछे से बिल्कुल अच्छी सड़क आ रही थी, फर्स्ट क्लास कंप्लीट बिल्कुल सड़क दोनों साइड की। और दोस्तों आगे जाके फिर आगे नई सड़क का काम होता हुआ ये देखिए, पूरी मट्टी वगैरह अभी तो पड़ी है सर, यहाँ पर रोड़ी वगैरह भी डली हुई है और दोस्तों पूरी सड़क अभी अनकम्प्लीट है। आगे जाके फिर शायद कोई U-turn वगैरह के लिए एलिवेटेड दे रखा है दोस्तों थोड़ा आगे जाके। और ये भी अपडेट दोस्तों बल्लभगढ़ की है। चलो दोस्तों और आगे चलते हैं और आगे की अपडेट देते हैं आप। दोस्तों ये थोड़ा सा और आगे आ चुके हैं और ये देखिए यहाँ पर अभी सर्विस रोड का निर्माण हो रहा है और ये हाईवे का है। और ये दोस्तों ये DND के से आ रहा है और दोस्तों जगह का नाम ये बल्लभगढ़ की अपडेट है और ये चंदावली कोई जगह है जहाँ की अपडेट दे रहे हैं। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पर ये आप इधर काम चलता हो, आगे कोई U-turn के लिए सब जगह निर्माण हो चुका है इसी के लिए, क्योंकि उसके ऊपर तक उसके बिल्कुल बराबर तक लेवल मिट्टी की फिलिंग होगी। चलो दोस्तों और आगे चलते हैं और आगे की अपने दोस्तों ये सब्बे बन चुका है, अभी बंद कर रखा है इसको, ये U-turn के लिए। दोस्तों ये चंदावली की अपडेट है और ये देखो सब्बे वगैरह बन चुका है इसका। और दोस्तों अब यहीं पे हम वीडियो समाप्त करते हैं और अगली जो वीडियो आगे की जो अपडेट है वो नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों आपने मेरी यहाँ तक वीडियो देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।